गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट टू, उसमें थोड़ा सा आगे आपको समझाऊंगा। होपफुली गाइस आप सभी जुड़ गए होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सभी का आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो भाई ये यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट इज गिवन बिलो विद सिग्निफिकेंट फिगर्स इन देयर ब्रैकेट्स। मैंने ब्रैकेट के अंदर इन सभी के क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रखे हैं। जैसे एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाई 10^23। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 6.023, मतलब ये चारों नंबर काउंट हो जाएंगे, 10^23 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसको डिनोट इससे करते हैं हम, 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 किलोग्राम स्क्वेयर पर सेकेंड। इसमें भी आपको 6.626 मतलब चार नंबर दे रखे ना यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ यहाँ पर, 4 आप बताएं। वेलोसिटी ऑफ सनलाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखते हैं कि 10^8 पीछे दिया हुआ है और आगे कितना है, 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, केवल 1 होगा, 3 ही यहाँ पर क्या होगा, काउंट होगा। उसी प्रकार से गाइस आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन। जब मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 1.008 होता है इसका मास, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सभी के सभी काउंट हो जाएंगे। क्यों काउंट हो जाएंगे, क्योंकि जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, तो 1.008, तो चारों के चारों नंबर्स काउंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ यहाँ पर, 4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1×10^-31 किलोग्राम। तो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 9.1, तो मतलब 2 हो गए, 1 और 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट्स के तरफ। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर मेजरिंग पैरामीटर, सो सेम क्वांटिटी विल बी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, इंचेस। टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट द कॉमन स्केल्स आर यूज विच आर नॉन एज CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि यूनिट्स क्या हैं। ये है मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन देयर मेजरिंग पैरामीटर्स की फॉर्म में। तो अगर हम देखें कि पैरामीटर कैसे, जैसे मीटर है, लंबाई है तो हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में भी, फीट में भी नाप सकते हैं, इंचेज में भी नाप सकते हैं। तो कॉमन स्केल है हमारे पास जिनका हम उपयोग करते हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम। CGS सिस्टम क्या है, सी मतलब सी से क्या होगा, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से क्या होगा, एस से होगा सेकेंड। उसी प्रकार से MKS मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, SI सिस्टम, ये तीन हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ। फंडामेंटल यूनिट्स में मास, लेंथ और टाइम, इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। मतलब मैंने क्या कहा, मास, लेंथ एंड टाइम आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स एज दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर प्रॉपर्टीज। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जो मास, लेंथ और टाइम है, इनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, और इनको किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी से क्या नहीं किया जा सकता, डिराइव नहीं किया जा सकता। डिपेंडिंग अपॉन देयर मेजरमेंट दीज आर टू सिस्टम्स। अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इनको दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं हम। वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS सिस्टम, M का मतलब मीटर, K का मतलब क्या है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या है बेटा, सेकेंड है। इट इज़ दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब इस मेजरमेंट सिस्टम के दौरान हम लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड की फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम MKS सिस्टम कहते हैं बेटा।
उसी प्रकार से जब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम, C का मतलब क्या है बेटे, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब क्या है, सेकंड, मतलब दैट सिस्टम इन विच द लेंथ मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन, किस में बेटा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की फॉर्म में, तो उसको हम CGS सिस्टम कहते हैं। वहीं आगे बढ़ें तो हम आपको बताते हुए चलेंगे SI यूनिट। तो SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, तो सिस्टम इंटरनेशनल की फॉर्म में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम विच इज़ यूज एट यूनिवर्सल लेवल फॉर 7 बेसिक यूनिट्स नॉन एज SI सिस्टम। तो कुछ 7 बेसिक यूनिट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये यूनिवर्सल लेवल पर इसका उपयोग होता है SI सिस्टम का, इसकी मानकता बहुत ही ज़्यादा है, एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मास है, सबसे पहले क्या है, मास, मास को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, किलोग्राम, लेंथ को मीटर में, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, टाइम को सेकंड की फॉर्म में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल की फॉर्म में, टेम्परेचर को केल्विन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर की फॉर्म में, ठीक है, और कैंडेला को ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के फॉर्म में, CD को हम क्या करते हैं, कैंडेला बोलते हैं, CD शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा SI सिस्टम के बारे में, ये 3 सिस्टम मैंने आपको बताए थे जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर उपयोग होते हैं। अब आता है डिराइव्ड यूनिट्स, आर दोज यूनिट्स इन विच द डिफरेंट यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर बेसिक यूनिट विद द हेल्प ऑफ देयर फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। तो ये यूनिट्स क्या है, बनाई जाती हैं। अब देखिए कैसे, स्क्वायर मीटर, एरिया को अगर हम मान लीजिए इसका यूनिट लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, एरिया स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और वहीं पे जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को लीटर मल्टीप्लाई लीटर मल्टीप्लाई लीटर, तो क्या हो गया, मीट्रिक क्यूब। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड, अगर एस ऊपर जाएगा तो माइनस में चली जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है, तो ms माइनस 1 मतलब मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था ना ऊपर, मीटर पर सेकंड, और टाइम का कितना होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास क्या होता है, किलोग्राम में, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की। मोमेंटम का mv, m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी, तो m मास है तो m मास को हम किलोग्राम में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मोमेंटम की क्या हो जाएगी बेटा, ये डिराइव यूनिट है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही प्रेशर के बारे में बताते हुए चलें। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की ऐसे यूनिट क्या बताई थी, अभी निकाली ना हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर का। तो ये आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो 1/2 मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सीधा ही बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी की डिराइव्ड यूनिट होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम मल्टीपल्स की तरफ। द बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स बट देयर SI स्केल इज़ यूज्ड एट यूनिवर्सल लेवल। सो फॉर देयर इंटर कन्वर्जन द मल्टीपल्स आर यूज्ड विच आर रिटन एज प्रीफिक्स फॉर लेंथ, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, हम क्या करते हैं इनको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये सारे के सारे क्या बेटा, मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, सब मल्टीपल्स क्या हैं, पहले तो मल्टीपल्स देखें क्या होते हैं। मल्टीपल्स में आपको बताता हुआ चलूँ, जैसे कि डेका 10 है तो उसको हम 10^1 नहीं ले सकते, सीधा 10 लिखेंगे तो डेका, 10^2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, हेक्टा, 10^3 होता किलो, 10^6 है तो क्या होगा बेटा, 10^6 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
मेगा, 10^9 तो गीगा, 10^12 टेरा, 10^15 पेटा और 10^18 क्या कहलाएगा, एक्जा कहलाएगा। और सब मल्टीपल्स क्या कहलाएंगे, 10^-1 डेसी, 10^-2 सेंटी, 10^-3 मिली, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो, 10^-10 ये क्या कहलाएगा, एंगस्ट्रॉम, 10^-12 पीको, 10^-15 फेमटो। और यहाँ पे 10m कैपिटल M और स्मॉल m लिखा हुआ है ना, तो हम इसको कैसे लिखें, 10^10 × 10^6 मतलब 10^7 मीटर। तो दीज मल्टीपल आर ऑल्सो यूज फॉर इंटर कन्वर्जन, इसको इंटर कन्वर्जन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे 232 डिग्री अक्षांश, तो इसमें क्या है, 232 × 10^-10 मीटर होगा, और 122 मिलीमीटर होगा तो 120 × 10^-3 हो जाएगा मिलीमीटर, 20 माइक्रोमीटर को 20 × 10^-6 मीटर। तो ये इस प्रकार से क्या करना है बेटा, आपको इंटर कन्वर्जन करना है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है, एक बेसिक यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। जैसे कि SI स्केल का उपयोग करते हैं यूनिवर्सल लेवल में, तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन और मल्टीपल्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि यहाँ तक आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं, और साथ में जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आया तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि उस चीज़ के क्वेश्चंस आपको करवा सकूँ। होपफुली गाइज आपको समझ में आया होगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप क्या कर सकें, मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त करते रहें, और आपकी ऑनलाइन स्टडी लगातार चलती रहे। होपफुली आप 100 out of 100 अपने सब्जेक्ट के अंदर कैरी कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।